हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुड फूड बेटर मूड। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ गेहूं के आटे की गुलाब जामुन। ये गुलाब जामुन बिल्कुल बाहर के जो गुलाब जामुन होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही टेस्टी गुलाब जामुन होते हैं, और ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होंगे और बिल्कुल रसीले होंगे। तो एक परफेक्ट रेशियो के साथ में गेहूं के आटे के गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना होगा एक बड़ा बोल, और उसके ऊपर आपको एक छन्नी लगा देनी है। छन्नी लगा देने के बाद हमें इसमें डालना है आधा कप गेहूं का आटा, और आधा कप डालना है हमें इसमें मिल्क पाउडर। डाल देने के बाद दोनों चीजों को आपको छान लेना है, और छान लेने के बाद दोनों चीजों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमें इसमें डाल देना है मेल्ट की हुई 2 चम्मच घी। ये डाल देने के बाद हमें घी को सारी चीज़ों में अच्छे से मिक्स करना है। जितने अच्छे से हम घी को इसमें मिक्स करेंगे, आपके गुलाब जामुन उतने ही अच्छे सॉफ्ट बनेंगे। मिक्स कर लेने के बाद इसमें डालना है 1/4 चम्मच मीठा सोडा। अगर आपके पास मीठा सोडा नहीं है तो आप इसमें 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो। और अभी आपको इसे गुथना है, तो गुथने के लिए आप क्या करिएगा, हल्का गर्म दूध लीजिएगा, मतलब रूम टेम्परेचर पर दूध लीजिएगा, और स्पून की मदद से आपको थोड़ा थोड़ा दूध डालना है और इसे गुथना है। एक बार में आप बहुत ज़्यादा दूध नहीं डालिएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी गीला हो जाएगा। तो अभी आप देखिए, मैंने यहाँ पर करीब 4 से 5 चम्मच ही दूध डाला है, और तो आपको बिल्कुल रोटी का आटा जैसा आप गुथते हो ना, उससे हमें गीला डो रेडी करना है। अभी आपका डो रेडी हो गया है, इसमें 1 चम्मच घी डालनी है और हमें इसे स्मूथ कर लेना है। अभी आपको इसमें 1/4 चम्मच दूध और डालना है, और इसे हमें 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देना है, जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए। तो 15 से 20 मिनट हो गए हैं, ये अच्छे से आटा जो है वो सेट हो गया है आपका। आपका आटा जो है वो बिल्कुल अच्छा स्मूथ हो गया है। तो अभी आपको इसे गुलाब जामुन का शेप देना है। तो आप इसे गोल शेप भी दे सकते हैं और ओवल शेप भी दे सकते हैं, दोनों शेप जो भी आपको पसंद हो, दोनों में से कोई भी आप शेप दे सकते हैं। तो गुलाब जामुन का शेप देने के लिए आपको नींबू के आकार से छोटा डो लेना है, और उसे हाथों से अच्छे से मसलते हुए उसे चिकना कर लेना है, और अपने हिसाब से इसे शेप देना है। तो अभी आप देखिए, मैंने यहाँ पर ओवल शेप दिया है। आप अपने हिसाब से इसे गोल, ओवल, कोई भी शेप दे सकते हैं, दोनों ही गुलाब जामुन आपके अच्छे बनेंगे। अभी हमें गुलाब जामुन को फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए आपको ऑयल को मीडियम गरम करना है, और मीडियम फ्लेम पर इसे पलट पलट करके हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। गुलाब जामुन बनाते वक्त आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। पहला, जब आप आटे को गूंथ रहे हो तो आपको आटे में थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है। एक बार में बहुत ज़्यादा दूध नहीं डालना है, जिससे कि आपका आटा गीला हो जाए। दूसरा, गुलाब जामुन फ्राई करते वक्त आपको गैस की फ्लेम को मीडियम करना है, ऑयल को भी मीडियम गरम करना है, और थोड़ा थोड़ा करके गुलाब जामुन को उसमें डालना है। अगर आपका ऑयल ज़्यादा गरम होगा तो आपके गुलाब जामुन जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रख करके गुलाब जामुन को बनाना है। तो अभी हमने मीडियम फ्लेम पर अपने आधे गुलाब जामुन को फ्राई कर लिया है। एक बार में हमें अपने सारे गुलाब जामुन को डाल करके फ्राई नहीं करना है, क्योंकि उनको फूलने के लिए भी जगह चाहिए। तो अभी आपके आधे गुलाब जामुन फ्राई हो गए हैं, और इसी तरह से आपको अपने आधे गुलाब जामुन को भी फ्राई कर लेना। तो अभी गुलाब जामुन बना करके हमें इसे साइड में रखना है, और अभी इसके लिए हमें चाशनी रेडी करनी है। तो चाशनी के लिए आपको लेना है एक बड़ा पैन, और उसमें हमें 1 कप और 1/4 कप और चीनी डालनी है।
डाल देने के बाद हमें इसमें 300 ml पानी डालना है, मतलब 300 ml हमें इसमें पानी डालना है। और हमें इसमें डाल देनी है 3 इलायची। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप इसमें इलायची पाउडर भी 1/4 चम्मच डाल सकते हो। डाल देने के बाद हमें चीनी को मेल्ट होने तक वेट करना है। तो अभी आपकी चीनी मेल्ट हो गई है, तो अभी आप इसे दोनों उंगलियों के बीच में दबा के देखिए। अभी ये ऑयल की जैसी हमें आपको चिकनी नहीं लग रही है, तो करीब 1 मिनट के बाद आप देखोगे कि ये ऑयल की जैसी आपको दोनों उंगलियों में लेने पर ये ऑयल की जैसी चिकनी लगेगी। हमें इससे 1 तार 2 तार 3 तार की चाशनी नहीं रेडी करनी है, बस हमें उंगलियों में लेकर के देखना है और देखना है कि आपकी जो चाशनी है वो बिल्कुल ऑयल की जैसी चिकनी लग रही है नहीं। तो अभी आपको अपने गुलाब जामुन इसमें डाल देने हैं और गैस की फ्लेम को मीडियम करना है और मीडियम फ्लेम पर हमें इसे 1 से 1.5 मिनट तक पकाना है। तो 1 से 1.5 मिनट हो गए हैं आपके गुलाब जामुन, अभी आप देखिए थोड़े से फूल करके बड़े हो गए हैं। अभी आपको गैस ऑफ करनी है और इसे कवर कर देना है। कवर कर लेने के बाद इसे हमें 4 से 5 घंटे के लिए फूलने देना है। तो 4 से 5 घंटे हो गए हैं, आपके जो गुलाब जामुन हैं वो फूल करके बिल्कुल अंदर तक चाशनी चली गई है और ये अंदर तक बहुत ही अच्छे सॉफ्ट बने हैं। तो एक बार आप इस गुलाब जामुन की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।